हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में बुधवार को गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण की तीसरी बैठक में वित्त वर्ष 2019-20 के लिए 1443 करोड़ रुपए के बजट प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इसमें से लगभग 508 करोड़ रुपए वर्तमान में DMD द्वारा करवाए जा रहे कार्यों पर खर्च होंगे। बैठक में चालू वित्त वर्ष के संशोधित प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई और DMDA के पिछले 1.5 साल के कार्यों की समीक्षा भी की गई। DMDA के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव उमाशंकर ने DMDA का वर्ष 2019-20 के बजट प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए कहा कि 1443 करोड़ रुपए के बजट प्रस्तावों में लगभग 508 करोड़ रुपए की राशि वर्तमान में चल रहे सुधारीकरण परियोजनाओं पर खर्च होगी। इन परियोजनाओं में लेफ्टिनेंट अतुल कटारिया चेक उमंग भरद्वाज चेक से NPR तक की सड़क को 6 लेन की बनाना, महावीर चेक तथा हुड्डा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन के चारों तरफ के सुधारीकरण के कार्य शामिल होंगे। मित्रों, DMDA की जो हमारी वार्षिक एक मीटिंग होती है, आज ये थर्ड मीटिंग थी DMDA की और इसमें जो जो निर्णय हमने सेकंड मीटिंग में लिए थे उन सबका रिव्यू हुआ और उसमें जो एक्शन लिए गए थे उसके ऊपर चर्चा की गई और इसके अलावा भी कोई 10 एजेंडा और थे तो 10 के 10 एजेंडाज के ऊपर चर्चा हुई है। और जैसा विकास के नाते से आप लोग देख रहे हैं कि गुरुग्राम में जितने भी काम पिछले 2 सालों में हुए हैं वो एक प्रकार का रिकॉर्ड है और उसी में कई प्रकार के और जो काम पाइपलाइन में हैं उनके ऊपर चर्चा करके उनको बहुत जल्दी पूरा कराया जाएगा। चाहे उसके अंदर जो मेट्रो का एक अलग से एक प्रोजेक्ट है कोटा सिटी सेंटर चौक से लेकर के सुभाष चौक होते हुए और रेलवे स्टेशन के पास से होकर के वापस सेक्टर 22 से इंडस्ट्रियल एरिया और वापस सिकंदरपुर NH तक NH 48 तक उसका भी हम सोच रहे हैं कि उसका और एक बाकी जो 2 लाइनें पहले हैं उसके साथ भी कोई इंटरकनेक्शन ठीक बन जाए तो उसके ऊपर एक चर्चा होगी। और मैं समझता हूँ बहुत बड़ी सर्विस शहर को मिलेगी। सिटी बस सर्विस ये बहुत अच्छे से चल रही है, उसके बारे में भी जो तीसरा फेज़ है उसको चालू करने की बात की गई है और कुछ फ्लाईओवर्स हैं उनकी भी चर्चा हुई है। रोड घाटा से वाटिका चौक तक उस रोड को भी ट्रैफिक के हिसाब से आगे की लंबी योजना बनाते हुए उसके ऊपर भी चर्चा हुई है, उसको चौड़ा किया जाएगा, उसमें कुछ अंडरपास कुछ फ्लाईओवर्स इसकी चर्चा हुई। ऐसे 10 प्रोजेक्ट्स हैं वो आज क्लियर करके किए हैं। बजट भी जो है इस वर्ष का उसको भी 1434 करोड़ रुपये का बजट ये अगले वर्ष के लिए ये पारित किया है ताकि और काम शुरू कर सकें। हो सकता है मेडिकल कॉलेज का भी हमने चर्चा करके और उसको भी जल्दी शुरू कर दिया जाएगा, जो एक पहले से प्रस्तावित था वो भी GMDA में लेकर के इस काम को शुरू करेंगे। चंडीगढ़ से अर्थ प्रकाश TV।